हेलो बाइक लवर, आज के वीडियो में काफी सारे इंटरेस्टिंग न्यूज कवर करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं दी वाइल्ड वॉल्फ के बारे में। उनकी ओर से कुछ ऐसी कम्युनिटी पोस्ट शेयर करी गई थी जिसमें वह बता रहे थे ले आए क्या थार को, लेट्स सी उनका क्या मन बनता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जेएस बाजी के बारे में। उनके H2 का न्यू लुक तो मैं आप सभी को दिखा ही चुका हूं। इस पर उनकी एक वीडियो भी आउट हुई है जिसके वह टाइटल में लिखे हुए हैं फाइनली ऑल न्यू निंजा H2 इज हियर छपरी एडिशन या यूनिक। उन्होंने वहां पर क्वेश्चन मार्क रखा है। हां तो आप लोग कमेंट करके जरूर ना आपको यह रैप कैसा लगा, छपरी या फिर यूनिक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यू का जो साउंड राइडर के बारे में। उनकी ओर से जो न्यू जर्नी स्टार्ट करने की बात करी गई थी उसको लेकर अब तक तो कोई सा भी अपडेट नहीं आया है। होप सो हमें वह जल्द ही देखने को मिले। एक बात और कि उनकी जो सुपर MK4 को ऑल इंडिया राइड से भेज दिया था वापसी दिल्ली, वह तो आप सबको पता होगा, जिसको लेकर अंशु बत्रा की ओर से कुछ ऐसी रील भी आउट हुई थी जब सुपर MK4 कहीं रास्ते में बिगड़ गई थी। तो यू का जो साउंड राइडर की ओर से बता दिया गया है कि हम सुपर MK4 को लेने दिल्ली जाने वाले हैं। लेट्स सी सुपर MK4 हमें किस हालत में देखने मिलती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आमिर मजीद और उनकी फीमेल फ्रेंड टस्किन के बारे में। सो काफी सारे लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि ये GFBF है, लेकिन आमिर मजीद ने क्लियर कर दिया है कि ये बस मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है। उसी बीच आमिर मजीद टस्किन को पूछ लेते हैं कि तेरा BF कौन है। तो देखो BF को लेकर टस्किन की ओर से क्या आंसर मिला है। अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताओ, जैसे मैं पूछ रहा हूँ ना भाग रही है, बता दो यार। लेकिन आप जानना चाहती है कौन है तुम्हारी जिंदगी में, क्या नाम है उस लड़के का? बट वन साइड लव আছে, আমি ওর সঙ্গে খুব বেশন ভালোবাসি, এন্ড আমি নামটা নিতে পারবো না আমার। नेक्स्ट आमिर मजीद की ओर से कुछ ऐसा पिन कमेंट किया गया था जहां रेडी हो कोलकाता, ऐसा वो लिखे हुए हैं। जैसे कि वह पहले भी बता चुके हैं हमें जल्द ही वो कोलकाता में भी देखने को मिलेंगे। सो मैं होप करता हूं आप लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे जो भी कोलकाता वासी होंगे उनके लिए। नेक्स्ट आमिर मजीद के बारे में बात कर रहे थे, बात कर रहे थे जानू स्टंट के बारे में। सो रिसेंटली उनकी बर्थडे थी, वह तो आप सबको पता होगा, लेकिन बर्थडे में जा रहे कुछ बंदों के साथ कुछ ऐसा गलत सीन हो जाता है लिफ्ट में, जिसको लेकर डी डार्क स्पेक्टर की ओर से कुछ ऐसी इंस्टाग्राम स्टोरीज भी आउट हुई थी जिसमें आप लोग एलियन वॉक्स को भी देखोगे। तो देखिए उनकी इंस्टाग्राम स्टोरीज। अब भाई ये चक्कर है, हम आए थे जानू के बर्थडे में और गलती से ना भाई लेफ्ट हमारी अटक गई है रास्ते में, अब से ना कोई समझ नहीं आ रहा करना क्या है। एंजॉय करो, रिलैक्स। ये शीशा कौन तोड़ रहा है? अब तुम्हें डर लग रहा है? क्या बोल रहे हो? स्यापा ही पड़ गया भाई, लेफ्ट तोड़ दे। मैं भी निकल सकता हूँ, मैं निकल सकता हूँ। अलियान डर लग रहा है कोई? नहीं भाई, डर लग रहा है। खोलो खोलो निकलो 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 निकलो। नेक्स्ट जानू स्टंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो बात कर लेते हैं एलियन व्लॉग्स के बारे में। टेनर की डिलीवरी ले ली है, वह तो आप सबको पता चल ही गया होगा, लेकिन जैसे वह शोरूम से बाहर गाड़ी निकालते हैं नफिल उनको थोड़ा सा टैंक स्लैपर को लेकर कुछ ऐसी बातें बोलते हैं। चलो चलो 100 के ऊपर टैंक स्लैपर मारेगा अगर तू क्लच दबाएगा। ऑटो ब्लिपर और की शिफ्ट, हाँ पता है मुझे, अप और डाउन दोनों है। 100 के ऊपर जरूरत ही नहीं मारने की, ठीक है, क्लच यूज करने की। एक बात उसकी अलिया ने राइड के दौरान टैंक स्लैपर बाइक पर हो रहा था वो नोटिस किया, जिसको लेकर कुछ ऐसी बातें भी शेयर करे हैं। न्यू बाइक है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड भी लग रहे थे। नेक्स्ट देखो इस बच्चे को जिसने बड़े बड़े बंदों को गाड़ी चलाने में पीछे छोड़ दिया। नेक्स्ट आप सबको तो पता होगा आजकल लड़कियां भी कार चलाते हुए रॉक कर देती हैं, वैसे ही कुछ ही ना आप सभी को मैं दिखाने वाला हूं। तो देखिए यह रील। आप बताओ क्या करना है? वो देखो आपके राइट हैंड पे एक लीवर है ना, उसको नीचे कर दो। ये ये हाँ, पहले ब्रेक दबाओ। ब्रेक कौन सा है? बीच वाला, एक ही ब्रेक है उसमें, एक तरफ एक्सीलरेटर है। तो कौन सा एक्सीलरेटर है, कौन सा ब्रेक है? सबसे बड़ा ब्रेक है भाई, ब्रेक दबाओ। ओके हाँ, ब्रेक दबा दिया। हाँ अब उसको नीचे कर दो लीवर को, ठीक है। हाँ उसमें डी लिखा गया। हाँ चलो अब छोड़ दो। हाँ धीरे धीरे आराम से ब्रेक पे पैर रख के रखना। हाँ? चलो चलो सही करियो ना। हाँ हाँ बिल्कुल बढ़िया। ड्रिफ्ट कैसे मारते हैं? नेक्स्ट जटपा जी उनके जीप साहिबा के साथ उत्तराखंड घूमने गए थे, उसी बीच ट्रैफिक जाम हो जाता है। वहाँ जो होता है वह आप लोग देखो। गाड़ी नहीं निकलेगी, मैं कह रहा हूँ रहने दे, मानती नहीं है ना, उनको कह रही बैक ले लो आप। सही है, मेरे रिश्ते का ये झगड़ा कर लेते, मेरे को जरूरत नहीं पड़ती। वो सबको बैक करा रही है, वो देखो आगे चली गई है भाई, वो खतरनाक। कोको बेटा अपन दोनों को ना बच के रहना पड़ेगा पूरी जिंदगी, समझ रहा है? हैं
आप भी समझ लो। भाई हिम्मत तो है इस लड़की में, मिनी बस को बैक करवा दिया इसने। एक बात उसकी जेटपाजी की ओर से अपकमिंग बाइक को लेकर कुछ ऐसी बातें शेयर करी गई थी कि अब जो बाइक होने वाली है वह BMW की ही होने वाली है, जिसको लेकर वह बता रहे थे S1K हो सकती है, M1K हो सकते हैं या फिर न्यू ADV R1300GS हो सकती है। उनकी ओर से इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसी फोटो शेयर करी जाती है जिसमें आप लोग देख ही पा रहे होंगे BMW ADV हमें दिख रही है और वहां पर वह कैप्शन में लिखे हैं, सही गैस करने वाले को स्पेशल डिलीवरी डे पर बुलाया जाएगा। जहां पर उनके टीम मेंबर समीरन भी कुछ ऐसा कमेंट कर देते हैं, स्वागत है आपका, कौन बनेगा करोड़पति में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।